नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद इंडिया की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि पेशाब करते समय कभी भूलकर भी नहीं करें ये तीन गलतियां, वरना पछताओगे। दोस्तों, पेशाब करना हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही जरूरी और फायदेमंद प्रक्रिया है। पेशाब के माध्यम से शरीर के अतिरिक्त पानी के साथ साथ हानिकारक और विषैले पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। पेशाब के रंग, मात्रा और पेशाब से आने वाली बदबू से हम शरीर के कई लोगों के बारे में पता लगा सकते हैं। जिन लोगों के पेशाब में बिल्कुल बदबू नहीं आती है, वो स्वस्थ होते हैं। ऐसे लोगों के पेशाब का रंग भी साफ रहता है। जिन लोगों के पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बनते हैं और बदबू आती है, तो ऐसे लोगों को गंभीर बीमारी हो सकती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पेशाब करते समय कभी भूल कर भी नहीं करें ये तीन गलतियां। दोस्तों, पहली गलती है, आजकल अधिकतर लोग शरीर के लिए आवश्यक पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से शरीर में पानी की कमी होकर प्रोटीन और केमिकल पेशाब के साथ बाहर निकलते हैं और पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बनने लगती है। अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बन रही है तो यह आपके शरीर में पानी की कमी का संकेत है। ऐसे में भरपूर पानी पिए। दूसरी गलती है दोस्तों, अधिकतर लड़कियां करती हैं। लड़कियां पेशाब करने समय कई बार गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया और वायरस मूत्र मार्ग में चले जाते हैं और इससे संक्रमण होकर मूत्र मार्ग में जलन होने लगती है। इसलिए लड़कियों को साफ सुथरे टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा गलती है दोस्तों, किडनी पेशाब के साथ शरीर के टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालती है और खून को साफ करने का काम करती है। इसलिए किडनी हमारे शरीर का एक अहम अंग है, लेकिन अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा झाग बन रही है तो किडनी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो मेरे दोस्तों, आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारी यह वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।